मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, ये सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इस मंच पर जब भी आंसू बहते हैं मैं अक्सर खुश हो जाता, और वो इसलिए क्योंकि इन आंसुओं के बहने से किसी के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, इन आंसुओं के बहने से किसी का दुख दर्द कम हो जाता है। ये आंसू तब भी बहते हैं जब किसी का सपना पूरा हो जाता है, और ये आंसू तब भी बहते हैं जब किसी को अपने ज्ञान का हक मिल जाता है। इन खिलाड़ियों की खुशी यहां अक्सर आंसू बनकर झलकती है, और इसीलिए जब जब ये आंसू बहते हैं मैं खुश हो जाता हूं, बार बार खुश हो जाता हूं, हर बार खुश हो जाता हूं। यहां किसी भी खिलाड़ी की आंखों में खुशी के आंसुओं की कमी न हो, इन्हीं दुआओं के साथ चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और परिचय कराते हैं इस हफ्ते के बाकी बचे खिलाड़ियों का। तालियों के साथ मैं चाहूंगा उनका स्वागत किया जाए। ये रहे इनके नाम, कोरपुट उड़ीसा के एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में चार्जमैन नंबाला रवि कुमार, कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक होम ट्यूटर परोमिता चौधरी, बड़बीगा बिहार से स्टेशन मास्टर मोहम्मद बाशी खान, नोएडा उत्तर प्रदेश से एक कॉरपोरेट लॉयर ऋषा तिवारी जी, पटना बिहार से एक रिसर्च असिस्टेंट कुमारी शारली, और अंत में राज को गुजरात के एक कंप्यूटर टेक्नीशियन भूपत भाई नरसिंह का बहुत बहुत बधाई आप सबको, और स्वागत आपका एक बार फिर इस कार्यक्रम में और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत के संदर्भ में इनमें जितने अंक होते हैं उसके अनुसार इन्हें कम से ज्यादा के क्रम में रखें। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स दैट दे हैव। समझ गए? अब ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए मोबाइल संख्या, बी आधार संख्या, सी पिन कोड संख्या, डी पुलिस आपात कालीन फोन नंबर। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिन कोड, पुलिस इमरजेंसी फोन नंबर। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी पुलिस आपातकालीन फोन नंबर, ये 3 डिजिट के होते हैं अक्सर। फिर आता है सी पिन कोड नंबर, ये 6 डिजिट्स के होते हैं। फिर ए मोबाइल संख्या जो 10 डिजिट्स के होते हैं, और अंत में बी आधार संख्या 12 डिजिट्स के होते हैं। ये है सही क्रम, और इसी क्रम में जिन किन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नंबाला रवि कुमार, सर बहुत बहुत, अरे ये मत कीजिए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। बहुत जोर से दौड़ते हुए आप आए, और इसी जोर से आपने हमको जप्पी मारी, 3-4 हड्डियां टूट गई हमारी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत देर से आप प्रयत्न कर रहे थे। शुक्रिया सर। और तो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं कोरापुट उड़ीसा के एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले कार्यरत नंबाला रवि कुमार जी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नेल्को में आप काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपके बारे में हमने कहनी है, सुननी है, तो इससे पहले कि उनके बारे में हम सुने और जाने, आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं पहले। जरूर। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम है नंबाला रवि कुमार। मैं उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा दामनजोड़ी को बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली बोले तो मेरा वाइफ, मेरा 2 बेटे हैं। मैं भी हर इंडियन फैमिली की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, और मैं नालको में एक टेक्नीशियन हूं। साल 2000 में ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम शुरू हुआ, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लिया तो मुझे एक इंटरेस्ट मुझ में पैदा हुआ। मैं केबीसी के लिए प्रिपेयर करता रहा, करता रहा, करता रहा।
मैंने पिछले 18 सालों से ये केबीसी के लिए तैयारी कर रहा था। ये केबीसी का जो पागलपन है मुझ में उस टाइम भी था, आज भी है। लोग मुझे इसके लिए पागल भी बोलते हैं, ये केबीसी का पागल है। रवि कुमार केबीसी और अमिताभ जी के लिए पागल ही है। जब भी देखता है मेरे को पूछता है कि साहब सारे क्वेश्चन पूछो, सारे क्वेश्चन पूछो, सारे क्वेश्चन पूछो। मैं एक रात को एडमिट था, मेरे को मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे को प्यास लग रहा था। मैं बोला रवि थोड़ा पानी पिला दे यार, वो मेरा बात सुनता नहीं था। वो केबीसी मोबाइल में केबीसी को मैसेज भेज रहा था। ये इतना पागल है केबीसी का, मैं बारे में मैं क्या बताऊं। जो भी बोले, मैं 18 साल के बाद मेरे तपस्या आज पूरा होने जा रहा है, इससे बड़ी बात मुझे और क्या हो सकता है। मैं आज इस मंच से सभी को यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है। आप इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूं। पहले तो रवि कुमार जी ये बताइए कि ये नलको में आप काम क्या करते हैं? मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मतलब अभी जो उसका पोस्ट टेक्नीशियन से ऊपर जाए तो वो चार्जमैन बुलवाते हैं। ओके। काम लेकिन नेचर ऑफ जॉब जो है कंपनी में जो चला मतलब चलता है, पंप्स होते हैं, गियर बॉक्स होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, सारे चीज़ वो कंपनी को 24 आवर्स चूँकि चलता है उसके लिए हम ये सब को फिट रखना पड़ता है। मतलब यूँ मानिए, मतलब वो पंप मशीन का एक डॉक्टर मान लीजिए, उसको पहले वो खराब होने से पहले भी हमको उसका पूरा केयर लेते हैं। अगर खराबी आ गया भी तो उसको पूरा ठीक करके फिर फिट कर लेते हैं, क्योंकि वो फिट है तो प्लांट फिट, प्लांट फिट है तो हम भी फिट। क्या बात है, बहुत खूब। सब लोग कह रहे हैं कि आप केबीसी के लिए एकदम पागल हैं, क्यों? जी सर, ये केबीसी आज आपके सामने, ये सबके सामने जो भी हूँ केबीसी के बदौलत सर। इसके पीछे कैसे हो गया? पिताजी तो सिंसियर पुलिस अफसर थे, मैंने भी पढ़ाई खत्म होने के बाद उनका सहयोग करने के लिए कुछ दिनों वीडियो कैमरा चलाया, कुछ दिन एक कैंटीन चलाया और कुछ दिन बस में कंडक्टर भी बन के चला। तो इसी बीच जब केबीसी आ गया तो इसके लिए मैं पूरा जानकारी ले लिया। जानकारी लेने के बाद ये एक मौका है, ज्ञान के बलों पर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। इस ये मेरे दिमाग में बैठ गया, तब से उसके लिए शुरू कर दिया मैंने पढ़ाई वढ़ाई, जब प्रिपरेशन कर दिया। जब 2001 तक मैं इसके लिए केबीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, 2001 में ये आ गया कॉल लेटर। मैं कॉल लेटर रिटर्न टेस्ट दिया, रिटर्न टेस्ट में टू माय लक वो जो जीके में फुल मार्क्स स्कोर किया और अल्टीमेटली मुझे ये नौकरी मिल गया। तो जो भी हूँ आज ये केबीसी के लिए बदौलत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपका ज्ञान ही आपको हक दिलवाता है। क्या बात ये है? बात मुझे मेरे बारे में साबित हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको रवि कुमार जी। यहाँ जो आते हैं कोई प्यार लेते हैं, कोई पैसा लेते हैं, और जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाते केबीसी के लिए खाली प्रिपेयर भी करे तो उनके लिए सफलता का द्वार हर तरफ खुला है। वाह क्या बात है, मैं ही उसका एग्जांपल। तो रवि कुमार जी बहुत बहुत आपको बधाई, और जल्दी से आपको मैं खेल के नियम समझा देता हूँ। आप तो जानते ही होंगे 18 सालों से आप खेल रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो गया है, 15 प्रश्नों का धनालय, 1,000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये का, 2 पड़ाव आएंगे बीच में, 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये, और 3,20,000 रुपये के बाद कोटि की चोटी का द्वार, 7 करोड़ रुपये का द्वार खुल जाएगा। घड़ी बड़ी जी है यहाँ पर, टिकटॉक टिकटॉक सुन रहे हैं, ये चलती रहेंगी, और पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकेंड, उसके बाद 60 सेकेंड, अगले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद समय से। सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस रखी हुई यहाँ पर, ये देखिए ये इधर आ गई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। कौन है आपके जोड़ीदार आज? आज त्रैलोक्यनाथ साहू, जो कि मेरा दोस्त भी है और उसी कंपनी में एक कोलीग भी है। ओ त्रैलोक्यनाथ साहू जी, आपको स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप इनके साथ नलको में काम कर रहे हैं? जी जी। ओके, उसी तरह का काम है या इनसे सीनियर है, जूनियर है, क्या है? एक ही लेवल एक होता है जी जी। लेकिन मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जी जी। ओके, तो जब भी आपको इनकी जरूरत पड़े वो तीसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करके उनको यहाँ बुला करके आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। और हमारी चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट,
देवी सज्जनों, मैं बता दूं कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जाने माने गीतकार, शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव। साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित नाम है इनका और इन्हें देश विदेश के कई सम्मान से सम्मानित किया गया है। आलोक जी, प्रस्तुत होइए हमारे सामने। प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। नमस्ते। रवि जी का संघर्ष मैं सर देख रहा था उनकी वीडियो फिल्म में, और उधर रवि हैं और इधर आलोक हैं तो ये बड़ा अच्छा संयोग है। जी जी। और जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी। रवि कुमार जी, आपके साथ आपके कंपेनियन के रूप में कौन आए? मेरा वाइफ बेटर, आपकी पत्नी जी। प्रणाम करता हूँ। और रेणुका जी आपका नाम है? रेणुका जी। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, रवि कुमार जी, क्या ख्याल है आपका? 18 साल का आपका परिश्रम जी अब बदलने जा रहा है। पहली बार आप सुनेंगे कि पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपके सामने। नहीं, आप विश्वास कर लीजिए अब आप। ओके रवि कुमार जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी जितनी जनता है, आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि यदा कदा हम जो भी आप वोटिंग करेंगे उसका हम परिचय देते रहेंगे यहाँ पर रवि कुमार जी को। और जोड़ीदार जी, आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है रवि कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये रहा पहला प्रश्न, 1000 रुपए का। मसालों से बना इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग पाचन में सहायता या हाजमा बढ़ाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दीज आइटम्स मेड फ्रॉम स्पाइसेस इज यूज्ड एज ए डाइजेस्टिव एड। समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए, ए चूर्ण, बी चखना, सी चमचम या डी चाट। ए चूर्ण। ए चूर्ण, फाइनल उत्तर? फाइनल। ताला लगा दे? ताला लगा। चूर्ण ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर। सही जवाब आपका, 1000 जीत गए। चूर्ण आमतौर पर मसाले, सूखे आम, नींबू के रस और अन्य चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। सही उत्तर आपने दिया और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से क्या 2 टियर, 3 टियर और स्लीपर में बटे होते हैं? विच ऑफ दीज हैव 2 टियर, 3 टियर एंड स्लीपर कैटेगरीज। ऑप्शन सुनिए, ए शॉपिंग मॉल, बी मूवी थिएटर्स, सी ट्रेन कोचेस, डी रेस्टोरेंट्स। शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, ट्रेन के डिब्बे या रेस्टोरेंट? इट इज सी, ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन के डिब्बे, सी आपने कहा, ट्रेन कोचेस। ताल लगा दे जी, सी पे ताल लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 2 टियर 3 टियर भारतीय रेलगाड़ियों के वातानुकूलित डब्बे होते हैं, स्लीपर डब्बे गैर वातानुकूलित होते हैं। 2000 जीत लिया आपने। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अगर 110 में से 10% घटा दिया जाए तो हमें कितना शेष प्राप्त होगा? इफ 110 इज डिक्रीज्ड बाय 10% देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? ए 99, बी 89, सी 100 या डी 91? इट इज ए 99। श्योर है? श्योर। ताला लगा दें? ताला लगा। 99 ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, 3000 जीत गया। 10% ऑफ 110 इज 11, 110 माइनस 11, 99, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 इसका मूल्य और वो प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा घरेलू यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच ऑफ दीज हाउस होल्ड डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी? समझ गए? ऑप्शंस हैं, ए स्पीकर, बी हेडफोन, सी इलेक्ट्रिक आयरन या डी ब्लेंडर। इट इज डी ब्लेंडर। डी ब्लेंडर जी। श्योर है? श्योर।
ब्लेंडर डी पे थाला लगाया जाए खंबीर जी, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए आप। फैंस, ब्लेंडर्स इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक मोटर के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जहां विद्युत ऊर्जा का उपयोग डिवाइस के ब्लेड को चालू करने के लिए किया जाता है। ब्लेंडर में भी एक ब्लेड होता है, फैन में भी ब्लेड होते हैं। इसका अर्थ है कि ये विद्युत ऊर्जा को गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो एक यांत्रिक ऊर्जा है। स्पीकर विद्युत से ध्वनि, हेडफोन्स विद्युत से ध्वनि, इलेक्ट्रिक आयन विद्युत से तपीय ऊर्जा। वेल डन रवि कुमार जी, पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। उड़ीसा में आयोजित होने वाले पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 का मैस्कॉट ओली किस प्रकार का जानवर है? What kind of animal is Ollie, mascot of the 2018 Men's Hockey World Cup to be held in Odisha? Options suniye: A. Indian pangolin, B. Olive Ridley sea turtle, C. Blue jay, ya D. Golden langur. Bharati pangolin, Olive Ridley samudri kachwa, Blue jay, ya Golden langur. It is B. ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। श्योर है? श्योर हूं। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। बी पे ताला लगा जाए खबीर जी, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। सही जवाब आपका। वेल प्लेड रवि कुमार जी। 2018 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो उड़ीसा में होने वाला है। शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 28 नवंबर टू 16 दिसंबर 2018 भुवनेश्वर आयोजित होगा। और अभी हमने अपने जो केबीसी कर्मवीर कार्यक्रम होता है हमारा, उसमें हमने अपनी हॉकी टीम को बुलाया था और सम्मानित किया उनको और बधाई दी कि अब की बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में अपने देश में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें अवश्य जीतिएगा। और उड़ीसा से बहुत से लोगों को पता चला कि लोग हॉकी में बहुत रुचि रखते हैं वहाँ पर जी, और खेलते भी हैं, बहुत गाँव गाँव में खेलते हैं जी। उत्तर तटीय जो, मतलब तटीय नहीं, हम जो अंदर के जो ये क्या होता है संबलपुर सुंदरगढ़ जी, वो जी। सब इलाका में मतलब वो मेहनती बहुत होते हैं और दिलो जान से हॉकी को खेलते हैं जी जी। वो उनका एक रिवाज भी है, जब भी पैदा होते हैं बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एक हॉकी स्टिक भी मतलब दिया जाता है। इवन घर में बहू लाते भी तो वो हॉकी स्टिक लेकर घर में बहू आती। रियली? जी। वाह, ये तो पहली बार सुना हमने जी। ऐसा होता है लेकिन अच्छा है, दहेज ना आए हॉकी स्टिक आ जाए। हाँ, उनका मतलब दहेज ना आए हॉकी स्टिक है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो रवि कुमार जी, जी जनरल नॉलेज में आपने काफी अपना समय बिताया, रहस्य किया है, आप शिक्षित कहाँ तक हैं? शिक्षित मैं एक्चुअली प्लस टू तक पढ़ा, प्लस टू के पढ़ने के बाद मैं बीएसए में ज्वाइन किया। बीएसए में ज्वाइन करने के बाद जो फाइनल पेपर्स में खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था तो यूनिवर्सिटी में खेल के चलते इधर ये पेपर्स एक दो खराब गया, मतलब जो फेल हो गया मैं जी। फेल होने के बाद मैं मन किया जो अगर खेल कूद और ये पढ़ाई दोनों मेरा साथ साथ नहीं जा रहे तो खेल कूद में छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें खराबी जो आ रहे इसके चलते मैं आईटीआई, मेरा वहाँ पे उड़ीसा में एक जयपुर करके है, वही जयपुर के पास 10 किलोमीटर दूर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे दिया जाता है, वहीं पे मैं ज्वाइन कर लिया। तो वहीं पे 2 साल मैंने जो प्रशिक्षण होता है वो लिया, जो कि ये कंपनी रिलेटेड जो भी है हमको थ्योरी पढ़ाया जाता है उसके साथ प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जो कि कंपनी के आने के बाद वो हम यहाँ उपयोग करते हैं वो कौशलता। ओके, आपकी और हमारी कहानी में बहुत मिलावट है जी। सर हमने भी बीएससी में इम्तिहान किया था जी, बहुत दुख हो रहा है कहने में लेकिन वो गलती हो गई हमसे। हम सोचे थे जब हम स्कूल से निकल के पढ़ के निकले तो हम सोचे कि हम साइंटिस्ट होंगे, जितना साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उसमें सब अम्बल नंबर आया। तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो हमको यही पढ़ना है, तो कुछ लोग बोले कि यार ये साइंस वाइंस तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम क्यों जाना चाहते? ना ना, हमारा सब नंबर आया, हम चल जाएंगे। पहले दिन ही जो पहला लेक्चर हुआ उसमें हम समझ गए कि गलती हो गई है, एक भी चीज़ हमको बीएससी की याद नहीं है। और जब फाइनल इम्तिहान हुआ भाई साहब, हम भी फेल हो गए थे, वो पेपर में फिजिक्स में फेल हो गए थे। तो क्या होता है उसका एक कंपार्टमेंट, एक इम्तिहान होता है बीच में,
तो वो दिया, बड़ी मुश्किल से वो पास किया, तब जा करके ग्रेजुएट हुए हम। वही फिजिक्स तो में आप और हम एक जैसे हैं भाई साहब। वही फिजिक्स में गया। हाँ, और फिजिक्स जो BSc हम सीखे थे, जो कुछ भी, वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं आता है। पर और भी एक बहुत मिलता जुलता चीज़ है सर, मिलता जुलता, जो कि मतलब आप जो जो भी हूँ, मेरा जो इंस्पिरेशन है मेरा फादर है सर। माताजी तो हर घर में मतलब माताजी का प्रथम स्थान रहता है। देखिए सर, फादर्स डे आजकल हम मनाते हैं, लेकिन हम साल 2000 से देख रहे हैं जो एक सेलिब्रिटी अपने पिताजी को मतलब इतने जो ओहदे पर रखते हैं, वो आप ही बढ़ाया पिताजी को, पिताजी के अहमियत जो आपने दुनिया को बताया। पर मेरे हिसाब से तो सब यही करते हैं। नहीं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं सर। आपका खासियत है सर, मतलब सब बोलेंगे अलग बात है सर, AB सार बोलेंगे, अमिताभ बच्चन सार बोलेंगे, वो दिलों तक पहुंच जाता है सर। सर एक बात बोल दो मेरे पिताजी के बारे में। जी जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था, किस तरह उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया? सर वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनको समय ही नहीं मिल रहा था कभी TV देखने के लिए। जी। लेकिन मैं जब KBC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो KBC के बदौलत मुझे जब जॉब आ गया, तो उनका जो एक समय निकाल के, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी समय निकाल के, वो एक घंटा डेढ़ घंटा जो हमारा उस टाइम जो आ रहा था प्रोग्राम सर, कंटिन्यू देख रहे थे। और जब 2004 में रिटायर हो गए, 2005 जब KBC 2 शुरू हो गया ना सर, तब से एक भी एपिसोड पिताजी कभी नहीं छोड़े सर। तो कभी मैं बाहर जाता हूँ तो लौटते ही, घर पहुँचते ही मुझे बोलते थे कि आज फलाना खेल हुआ, ऐसा खेल हुआ, यहाँ तक पहुँचे, ये सवाल आया, ये सवाल में वो ऐसा जवाब दिया और वो नहीं दे पाया, अगर तुम होते तो दे देते। उनका बोलना है सर, मतलब वो मुझ पर, मेरा कितना नॉलेज है उनको पता नहीं है, लेकिन जी, उनका मुझ पर एक भरोसा था। भरोसा था। तो हमेशा वो सपना था कि कभी तुम KBC में जाओगे तो मैं जाऊंगा, सर से मिलूंगा। अमिताभ सर साहब बहुत बड़ा फैन थे सर। ऐसे ही मुझे मौका मिला जोड़ी स्पेशल में, कलकत्ता ऑडिशन में, मैं वहाँ पे कंपेनियन के तौर मेरे पिताजी का नाम ही लिखा था सर रहने के लिए। दुर्भाग्यवश मैं तो उस टाइम में क्वालिफाई नहीं कर पाया वो FFF के लिए या ये के लिए सर। मैं उसी, अब मैं पिताजी पिछले साल ही गुजर गए सर, मैं आज उनको, मैं तभी वादा किया था सर, जब भी आऊँगा यहाँ पे मैं अपने पिताजी को फोटो लेकर आऊँगा सर। और उस मैं फोटो लेकर आकर मैं यहाँ पे खेलूँगा सर, ये फोटो लेकर मैं अपने पास रखकर खेल रहा हूँ सर पिताजी। बहुत अच्छी बात आपने की, पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, उनका भरोसा आपके साथ बना रहे, और हम चाहते हैं कि उसी भरोसे के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ आज आप खेल में खूब आगे बढ़ें और धनराशि कमाएं। तो पहला पड़ाव पार कर लिया आपने रवि कुमार जी। अब आपको मिलेंगे हर प्रश्न के लिए 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, और अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से कौन सी वस्तु या सेवा वर्तमान में GST के दायरे में नहीं है? In India, which of the following goods or services are currently not under the ambit of GST? Options देखिए, A, petrol, diesel, B, biscuits, C, tea, coffee, D, kerosene. Sir, it is A, petrol, diesel. A, petrol, diesel. Final उत्तर आपका? Final. ताला लगा दिया जाए? ताला लगा। पेट्रोल डीजल ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 20,000 जीत गया। 1 जुलाई 2017 को लागू GST के दायरे में 5 पेट्रोलियम वस्तुओं, पेट्रोल डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को शामिल नहीं किया गया था। टी कॉफी केरोसिन GST 5% और बिस्किट्स GST 18%। माने कहने का मतलब यह है कि बिस्कुट कम खाइए, 18% GST लगता है उसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 40,000 वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिनेमा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया जाने वाला नंदी अवार्ड का संबंध किस भाषा की फिल्मों से है? The Nandi Awards are given for excellence in cinema for which of the following languages? A. Marathi, B. Tamil,
सी तेलुगु या डी गुजराती? सर इट इज सी तेलुगु। सी तेलुगु जी, श्योर है? जी श्योर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर सी तेलुगु। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड रवि कुमार जी, 40,000 जीत गए हैं आप। नंदी अवार्ड्स तेलुगु सिनेमा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, नंदी अवार्ड्स। बिल्कुल सही उत्तर दिया था आपने। तेलुगु में फिल्में वगैरह देखते होंगे आप? हाँ सर, मैं तेलुगु बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ जी। पैदाइशी परवरिश और पढ़ाई सब कुछ उड़ीसा में हुआ मेरा, तो उसके साथ ही जो मेरा दादाजी ताताजी घर सब जो रिलेटिव्स है वहीं पे रहते, तो साल में 3-4 बार तो अटेंड करना पड़ता है कोई भी फंक्शन में। उसी तरह मैं तेलुगु सीख भी लिया। कितनी भाषाएं जानते हैं आप? पढ़ भी लेता। हाँ सर, मैं क्योंकि तेलुगु में वहाँ पे उड़ीसा में पैदा हुआ, उड़िया तो बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, सब कुछ उड़िया है मेरा, खाना पीना सब उड़िया हूँ। तो आज जो पहना हूँ ये भी उड़ीसा की एक संबलपुर के है। वाह, कारीगरी है ये जी। संबलपुरी कहते हैं, ये भी एक पहचान है उड़ीसा के। और तेलुगु जो कि मेरा घर का लैंग्वेज है, और जो भी हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ, तो उसको भी मैं तेलुगु कंटिन्यू करता हूँ। और बंगाली, और मैं अपने इंटरेस्ट से खुद के इंटरेस्ट से सीखा हूँ, वो पढ़ लेता हूँ और बोल लेता हूँ, कुछ कुछ बोल लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ पूरा, तो लिख नहीं पाता हूँ। और हिंदी वैसे हमारा जो राष्ट्रभाषा है, और इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है सर। मैं इतने सारे कितनी सारी भाषाएं आप जानते हैं जी? भाई साहब एक हम प्रश्न करेंगे आपसे जी सर। हम आपको अपनी एक फिल्म का डायलॉग बोलेंगे जी सर, और आप उसे अलग अलग भाषाओं में बताइए क्या होगा जी सर। तो हमारा एक फिल्म में एक डायलॉग था कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इसको थोड़ा सा हमने परिवर्तित कर दिया जी। हमने कहा कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं केबीसी की लाइन वहीं से शुरू होती है जी सर। ओके, और इसका आप अलग अलग भाषाओं में बोलिए कैसा होगा। अब मान लीजिए तेलुगु में बोलना होगा, ये तो कैसे बोलेंगे? नीन एक्कड़ निल्चुंटानो केबीसी लाइन अक्कड़ नुंडे आरंभम अवुतुंदी। वाह क्या बात। उड़िया सर? उड़िया जी। मु जोठु ठिया हेबी सेठु केबीसी लाइन आरंभ होबो। वाह, बंगाली से बहुत मिलती जुलती है उड़िया। हाँ मिलती जुलती है। और बंगाली में क्या बोलेंगे? बंगाली में अपनी जोखाने, मतलब पूरा फ्रीक्वेंट तो नहीं है, अपनी जोखाने आरंभ दाड़िया अच्छी खानो केबीसी आरंभ हो चुके। ओके, आपकी पत्नी जी यहाँ पर आई हुई हैं, उनको मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। घर में भी रेणुका जी ये 24 घंटे केबीसी पढ़ते रहते हैं या कुछ घर के काम में भी आते हैं? करते हैं सर, थोड़ा बहुत तो करते हैं, लेकिन बहुत टाइम पढ़ते रहते हैं। आपके साथ कितना समय बिताते हैं ये? वो जब छुट्टी रहता है थोड़ा बहुत मेरे साथ तो हेल्प भी करते हैं सर। अच्छा, बाहर बाहर ले जाते हैं आपको? हाँ थोड़ा बहुत जाते हैं। हर चीज आप बोल रहे हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, मतलब कितना बहुत? जाते हैं सर। जाता है? जाते हैं। बस यही जानना था हमें, और कुछ नहीं। हाँ सर। और आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं पतिदेव, ठीक है? हाँ। ऑलराइट, आठवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने रवि कुमार जी, ध्यान आपका गेम पे आ जाना चाहिए, और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए आठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप ये कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पाएंगे? अभी आपको एक हम छवि दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे। Where would you find this Kandariya Mahadev temple? Can we see the picture, please? देख लिया, अब आपके सामने ऑप्शंस रखते हैं, और ऑप्शंस हैं ये: ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी मध्य प्रदेश। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, लाइफ लाइन लेंगे रवि कुमार जी।
कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल करना चाहिए। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए, इस छवि को देखिए अच्छी तरह से। प्रश्न है कि आप ये कंदारिया महादेव मंदिर कहां पाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। डी मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 68%। 24% दिया है उत्तर प्रदेश को और 4-4% मिला है गुजरात और कर्नाटक। ऑडियंस के साथ जाऊंगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे, मध्य प्रदेश। ताला लगा दें? ताला लगा दें। कबीर महाशय, मध्य प्रदेश डी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज्ञानी और बहुत गुणी ऑडियंस रहती है हमारी यहाँ पर, और उनको मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो जोड़ीदार जी हैं, आप भी खेलते रहिएगा हमारे साथ प्लीज़, क्योंकि आपका जो परिणाम होगा वो भी हम चर्चा में लाएंगे। ये जो मंदिर है रवि कुमार जी, खजुराहो मंदिर समूह स्मारकों का ये हिस्सा है, और जो हिंदू बौद्ध और जैन मंदिरों का एक समूह है। मंदिर अपने नागरा स्टाइल वास्तुशिल्प और उनकी कामुक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। उस टाइम का जो पहचान खजुराहो, आप कभी गए होंगे, पता नहीं गए हैं कि नहीं? नहीं गया नहीं, लेकिन देखा ही, उसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। ये जो मंदिर है ये सबसे प्रमुख है वहां पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आएगा, नवा प्रश्न, जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के संगीत निर्देशक कौन है? गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? सुनता हूँ सर। फिल्मों के गाने सुनते हैं, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, क्या सुनते हैं? हाँ, सब कुछ। फिल्मों के गाने ज्यादा सुनता हूँ। अच्छा, आपकी सच्चाई के लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। ऑप्शंस रखता हूँ आपके सामने, ए एस डी बर्मन, बी आर डी बर्मन, सी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या डी भप्पी लाहिरी। बी आर डी बर्मन। श्योर है जी? ताला लगाने लायक जी? बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है नहीं। आप सही है बिल्कुल। वेल प्लेड रवि कुमार जी, 1,60,000 रुपए जीत लिए आपने। ये मूवी बहुत बड़े, मतलब एक पिता पुत्र की जो संपर्क होता है, जी जी, बहुत बढ़िया दिखाया गया मूवी है। मेरा दिल के करीब है ये मूवी। क्या नाम है इस फिल्म का? मासूम। मासूम, बिल्कुल सही। बच्चा को जो पिता के बिना, एक बच्चा जो होता है ना, उसका क्या मानसिक स्थिति होता है, किस परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है, बहुत खूब उसमें दिखाया गया। वो मेरा बचपन में देखा, लेकिन आज तक मुझे वो, आज तक आपको याद है? ऑलराइट, अनुप घोषाल जी हुआ गाया हुआ गाना। ओके, ये 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का। इसी होशियारी के साथ खेलते रहिएगा। जरूर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा मानव अंग पाचन तंत्र का हिस्सा है? विच ऑफ दीज ह्यूमन ऑर्गन्स इज ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? ए पैंक्रियाज, बी स्प्लीन, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी किडनीज। अग्नयाशय या पैंक्रियास, तिल्ली स्प्लीन, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या गुर्दा किडनीज। इट इज ए पैंक्रियास। श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर ए पैंक्रियास। कबीर महाशय, पैंक्रियास ए पे ताला लगाया जाए। स्प्लीन आपने नहीं कहा? नहीं सर। स्प्लीन,
पीयूष ग्रंथि, ना ही आपने किडनीज कहा और ना ही पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि आप स्प्लीन कहते तो आप गलत होते। पैंक्रियास इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। पैंक्रियास मुख्य रूप से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और किडनी जो है वो एक्सक्रीटोरी सिस्टम। 3,20,000 रुपए जीत गए और आपके नाम एक चेक आ रहा है। तालियां बजनी चाहिए जोर से। तीन लाख बीस हजार रुपए का चेक आपके नाम रवि कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। दो तीन चीजें हो जाएंगी यहां पर। एक तो समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और यहां पर जो हमारा 16वां प्रश्न है, कोटि की चोटी का प्रश्न, 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाएगा। बहुत बहुत बधाई। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं। और आ रहा है प्रश्न 11वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए के लिए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अपने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं थी? Which of these chief ministers was not the first woman chief minister of her state? Okay? जी। Options देखिए। A. वसुंधरा राजे। B. ममता बनर्जी। C. मायावती। D. महबूबा मुफ्ती। कौन अपने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं थी? Was not the first woman chief minister of her state? समय के कोई पाबंदी नहीं। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप लिस्ट रिस्क पे। Which of the chief ministers was not the first woman chief minister of the state? मायावती से पहले थे कृपाली। सुंदरा राजे पहले, ममता बनर्जी पहले, महबूबा मुफ्ती भी पहले, मायावती जी से पहले कृपलानी जी। हाँ सर, इट इज सी मायावती। श्योर है जी? उनसे पहले कृपलानी जी थे, जो पहला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। फाइनल उत्तर है ये आपका? विच ऑफ द चीफ मिनिस्टर वाज नॉट द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ हर स्टेट? जी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर, मायावती। कबीर महाशय, सी मायावती पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड रवि कुमार जी। 6,40,000 रुपए जीत ले आपने और बहुत ही उमदा तरीके से आप इसे खेले। आपने सोच समझ कर इसका उत्तर दिया। आप बात कर रहे थे कि मायावती जी से पहले कृपलानी जी, पूरा नाम क्या? सुचेता कृपलानी जी, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। मायावती जी दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। वसुंधरा राजे जी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, ये अपने अपने प्रांत की पहली बार जी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। और पत्नी जी के चेहरे पर पहली दफा में मुस्कान देख रहा हूं। बधाई आपको सर। थोड़ा थोड़ा ये खेलते खेलते आगे बढ़ गए हैं। आप कह रहे थे ना कि थोड़ा थोड़ा समय बिताते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर खाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते पहुंच गए यहाँ पर। जी भाई साहब। सर मेरा एक छोटा सा आपका सवाल मैं करूँगा सर, पिक्चर रहेगा इसके लिए जी। जी पिक्चर देख के आपको बताना पड़ेगा ये क्या है और कैसे आप उससे जुड़े हुए हैं, बस इतना बता दीजिए सर हमको। आप पूछेंगे प्रश्न जी, पिक्चर आपको दिखाएंगे हम अभी। भाई साहब ये आपसे जुड़े काम है प्रश्न पूछना जी सर, आपके जुड़े हुए। नहीं हमसे जुड़ा हुआ हो ये बात नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए, हमको इसलिए नौकरी मिली है कि हम आपसे प्रश्न पूछें, ये नहीं कि हम जवाब दें।
आप हमको एक छवि दिखाएंगे? पिक्चर एक दिखाएंगे। कहाँ है छवि, दिखाइए। हाँ, मैं लाया हूँ सर। कहाँ है सर? यहाँ पे भी पिक्चर आ रहे हैं आपको। अच्छा, आप हाँ। लोग की मिली भगत है एकदम। जी कहाँ पर है ये? जी सर, ये देखिए। हाँ तो क्या ये सर, आपको कुछ याद आ रहा है इसी ये देख के? अरे भाई साहब, ये बहुत पहले एक कॉमिक बनी थी जिसका नाम था सुप्रीमो। जी ये वही किरदार है सुप्रीमो का किरदार। जी, उसकी कॉमिक की छवि है ये। जी सर, तो सर उस टाइम आपने उसमें पहले पेज पे पन्ने पे लिखे थे कि बच्चों के लिए, खास हम तो बच्चे थे उस टाइम, 11 साल का मेरा उम्र था, 11-12 साल का उम्र। जी जी, बच्चों का आप लिखे थे कि बच्चों ये मेरा और आपसे दोनों में बात है, फ्रेंड्स आप संबोधन कर रहे थे कि किसी को मत बताना कि मैं ही सुप्रीमो हूँ। सर आज दुनिया के सामने ये मैं ऐलान कर दिया, आप ही सुप्रीमो है सर। सुप्रीमो थे, सुप्रीमो है, सुप्रीमो रहेंगे। कृपा है आपकी। जी सर, ये मैं उसी टाइम का सर बुक अभी तक मैं अपने पास संभाल के रखा हूँ। वो कागज भी उसी टाइम का, ये कट करके मैं रखा हूँ, खाली ये जो डेकोरेशन के लिए ये अभी लगाया हूँ सर, अभी तक है, आप यहाँ पे साइन करके रखे हैं, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आपका ऑटोग्राफ मैं लेके जाऊंगा। मैं अवश्य, ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चों के लिए बैटमैन सुपरमैन हीरो होंगे, लेकिन हमारा इंडियंस के लिए एक ही सुपर हीरो हमेशा के लिए वो है अमिताभ जी सुप्रीमो। ये बहुत, जी बहुत से लोगों को पता नहीं, बहुत सी पुरानी पता बात नहीं है। सर बहुत पुरानी बात है ये। दरअसल एक जर्नलिस्ट थी, पम्मी बख्शी उनका नाम था। जी सर। और उनके मन में आया कि एक आपके नाम की एक ऐसे कॉमिक बुक निकलनी चाहिए, तो उन्होंने उस समय ये कॉमिक बुक बनाई थी सुप्रीमो नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि कुमार जी, पुरानी यादें आपने हमको दिलवा दी। अब खेल में आगे बढ़ते हैं और आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कठोपनिषद के अनुसार वाजश्रवा ने क्रोध में आकर अपने पुत्र नचिकेता या नचिकेत को इनमें से किन को दान में दे दिया था? अकॉर्डिंग टू द कठोपनिषद, टू हूम डिड वाजश्रवा ऑफर हिज सन नचिकेत इन एंगर? ऑप्शन सुनिए। ए दधीच, बी नारद, सी ब्रह्मा, डी यम। अकॉर्डिंग टू नचिकेत कठोपनिषद, टू होम वज्रसवास ऑफर हिज सन नचिकेत इन एंगर, नचिकेत सर लाइफलाइन यूज करूंगा। सही उत्तर नहीं मालूम आप? जी नहीं। कौन सी लाइफ? मैं एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कम्युनर महाशय रवि कुमार जी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और आलोक जी आपकी बारी आ गई है, हमारे सामने प्रकट होइए पहले। आलोक जी, जी एक प्रश्न आ गया है रवि कुमार जी के सामने, मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद उसके चार ऑप्शंस पढ़ूंगा। जैसे ही ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा 60 सेकंड की घड़ी शुरू हो जाएगी आपके लिए और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न ये है कि जी बेशक कठोपनिषद के अनुसार वाजश्रवा ने क्रोध में आकर अपने पुत्र नचिकेत को इनमें से किनको दान में दे दिया था? अब ऑप्शन सुनिए। जी ए दधीच, बी नारद, सी ब्रह्मा या डी यम। जितना पुराणों से होकर गुजरा हूं, मुझे यम जो है उसमें मेरा ज्यादा बिलीव है कि इसका सही उत्तर यम होना चाहिए। यम। आप कुछ पूछना चाहेंगे आलोक जी से? जी जी आलोक सर,
यम जी आप जैसे बताए विश्लेषण करके मैं पूरा आपके साथ जाऊंगा। हाँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको मेरा प्रणाम जी। यम को ताला लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। डी यम कमेटी जी, डी यम पे ताला लगाया जाए। आलोक जी आप बिल्कुल सही जवाब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपने जितवा दिया है इनको 12,50,000 रुपए, धन्यवाद दे दीजिए आलोक जी। देखिए सुयोग से मैं इनके काम आ सका, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा ने एक बार कुछ दुर्बल गाय दान में दी थी, ये देखकर उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे कई बार पूछा कि नचिकेता को वह किसे देंगे, तो वार्षवा ने खींच कर कहा कि उन्हें यम को दान में देंगे। ये कथा थी। 12,50,000 रुपये जीत लिया आपने। अगला प्रश्न आएगा, उसका मूल्य है 25,00,000 रुपये। आपने अपने वीडियो में कहा था कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं जी, और मैं समझ सकता हूं कि धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती होगी। जी सर, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी आगे और बढ़े। जी जरूर। आपके पिताश्री, आपके परिवार का आशीर्वाद है, हम सब लोगों का सहयोग है। 13वां प्रश्न, 25,00,000 रुपये। रवि कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपनी एकमात्र हैट्रिक किस टीम के खिलाफ ली है? अगेंस्ट विच टीम हैज रोहित शर्मा टेकन हिज ओनली हैट्रिक इन आईपीएल? ऑप्शन सुनिए, ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली डेयरडेविल्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स, या डी कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे जी। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपनी एकमात्र हैट्रिक किस टीम के खिलाफ ली है? हैट्रिक, बॉलिंग में हैट्रिक, याद नहीं आ रहा है सर। लाइफलाइन नंबर। एक और लाइफलाइन जी। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन? जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे। ओके, कमीना महाशय, जोड़ीदार की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और त्रैलोक्यनाथ साहू जी, स्वागत है आपका, आइए और मदद कीजिए अपने मित्र की। थैंक यू सर, बस मत कीजिए। आप दोनों एक साथ एक ही जगह काम करते हैं, आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। और ध्यान रहे कि अगर कहीं भी आप तय न कर पाए कि क्या उत्तर होना चाहिए, एक लाइफलाइन अभी भी बची, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपनी एकमात्र हैट्रिक किस टीम के खिलाफ ली है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। बिल्कुल नहीं, मोर डाउट कौन कि कोलकाता नाइट राइडर्स नहले चेन्नई सुपर किंग्स, ये दुटार कौटा गोटे पारे। मुंबई इंडियंस तो से खेलुले निजे खेलुले मुंबई इंडियंस, आउरी भी आम हैदराबाद हाँ दुटा टीम मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस नहीं सर। मैं 50-50 लाइफलाइन को, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, कमीना महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करना चाहेंगे रवि कुमार जी, इसे अंकित किया जाए। और दो गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। सभी लाइफलाइन्स आपकी चली गई। सही उत्तर आपको देंगे 25,00,000, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पर। गेस्वा क्या नहीं चलता है, किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं, आप 12,50,000 रुपये जीते। उत्तर बताइए, एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए। अच्छा, ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये हमारा हैदराबाद
मुंबई इंडियंस जदि हैदराबाद रे खेलि मुंबई इंडियंस रे जदि मैच होती सेटा हम श्योर नो हां का रिस्क नो बा क्या चल रहा है आपके मन में मुंबई इंडियंस चल रहा है सर क्योंकि अभी याद आ रहा है वो तो हैदराबाद के लिए भी खेले थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ वहां पे एक हैट्रिक लिए ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है खेले थे वो मुंबई इंडियंस सर श्योर हाँ नहीं जी सी मत अल्प अल्प मन पड़े कहीं हैदराबाद खेल बेले भी ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ठीक है श्योर होते मन पड़े क्या कहना चाहेंगे आप मुझे मुंबई इंडियंस ये सर मुंबई इंडियंस कहना चाहेंगे जी फाइनल उत्तर आपका फाइनल उत्तर है मुंबई इंडियंस है ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी आपको क्या लग रहा था मुंबई इंडियंस यही सलाह दी थी आपने जनता क्या समझती है हैं सही है ये सही उत्तर है आपका 25 लाख जीत गया वेल प्लेड 2009 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी इकलौती हैट्रिक ली थी जी अभी और उसके बाद अब वो मुंबई इंडियंस के एक सदस्य बन गए हैं कप्तान बन गए हैं मुंबई इंडियंस के बहुत सही उत्तर आपका 25 लाख रुपए थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर दो शब्द जी मैं भी 18 साल से तैयारी कर रहा था इस हॉट सीट पे आने के लिए तो इस हॉट सीट को मैं पहले प्रणाम करता हूँ क्योंकि हम दोनों जिस कंपनी से आए हुए हैं दैट इज नेशनल एल्युमिनियम कंपनी एक नवरत्न कंपनी है जी उसका टैगलाइन है ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड ये जो सीट है ये सीट में आप ऑर्डिनरी पीपल को बैठा कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं वाह क्या बात है तो 10वां संस्करण नहीं हुआ सही मैं 11वां संस्करण में इसमें जरूर आऊंगा आपका आशीर्वाद बहुत बहुत अवश्य आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत सुंदर बात कह दी इन्होंने जी सर मान्यवर रवि कुमार जी जी कोई लाइफ लाइन नहीं बची नहीं बचे सर अब बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि अगला प्रश्न जी एक मेरा कहना है सर वही एचआर जो रिलेटेड है मतलब ये एचआर से बिलोंग करते हैं हमारा एचआर में जो हमारा डिप्टी जनरल मैनेजर है एसके बारिक साहब जी उन्होंने आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं इनफैक्ट वो मैनेजमेंट क्लासेस भी लेते हैं कहीं भी जाते हैं तो आपको मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दे के लोगों को बहुत सारे बातें समझाते हैं अरे तो वो उन्होंने एक बात बोली है सर आपके लिए आज के इस ज़माने में आप सुपर हीरो ही नहीं सुपर ह्यूमन बीइंग है ये बात उनके तरफ से आपके बोलने के लिए बोलेंगे उनका प्रणाम भी आपके लिए देने के लिए बोले बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद तो रवि कुमार जी ये अगला जो प्रश्न है ये 14वां प्रश्न है इसका मूल्य है 50 लाख रुपए लाइफलाइन कोई भी नहीं बची है गैस वर्क चलता नहीं है हम आपको रोकेंगे नहीं गैस वर्क करने से क्योंकि अगर सही हो गया तो आप 50 लाख जीत जाएंगे लेकिन गैस वर्क होता है जी आप जीत रहे हैं 25 लाख रुपए अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पर ठीक है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर रवि कुमार जी ये रहा ।1970 से प्रकाशित विश्व के एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है What is the name of the world's only Sanskrit daily newspaper published since 1970? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने ए सुभाषा या सुभाष बी सुधर्म सी सुकर्म या डी सुप्रभात सुभाष सुधर्मा सुकर्म सुप्रभात एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र का नाम बिल्कुल आइडिया नहीं सर यहाँ पे मैं क्विट करना चाहूंगा
कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं, गेस्ट वर्क तो करके जितना कमाया उतना मैं लॉस करना नहीं चाहता। ये आपका अंतिम निर्णय है, आप क्विट करेंगे खेल को? ओके, रवि कुमार जी गेम को क्विट करेंगे। कंप्यूटर जी 25 लाख रुपए आप जीतते हैं, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हम आपका। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता को। सुधर्मा, बी सुधर्मा, सुधर्मा बी सुधर्मा पे ताला लगा जाए, देखें सही होता या नहीं। भाई साहब ये सही उत्तर होता जी सर, वाइल्ड गेस पूरा एकदम, मैं मतलब वाइल्ड गेस से, मैं कोई भी जानकारी नहीं है मुझे एक्चुअली, टू बी फ्रैंक। सुधर्मा बिल्कुल सही उत्तर होता जी सर, एक जानकारी। मैसूर से निकलने वाला ये अखबार 1970 से प्रकाशित हो रहा है, इसमें सिर्फ दो पेज होते हैं और आपने ऐसे ही गेस कर दिया सुधर्मा जी सर। क्या मन में आया आपने ऐसे ही? सुधर्मा, धर्मा के चलते क्या, और कुछ नहीं, धर्म, धर्म से आपने धर्म, उसको जोड़ा। हाँ, धर्म से आकर कर्म, भाषा और प्रभात जी, ये तीनों को मैंने एलिमिनेट करके धर्म, सुधर्मा सुनने को भी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सुधर्मा। काश कि आप खेल जाते तो और भी सुनने में आपको अच्छा लगता। नहीं सर, लालच, बहरहाल कोई बात नहीं, बुरी बात। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने अकलमंदी की है, 25 लाख रुपए आप जीतते हैं और 25 लाख रुपए आजकल डिजिटली द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। हमारा देखिए ये डिजिटल यंत्र है, ट्रांसफर बटन दबाया, आपका नाम अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर 25 लाख, 1 2 3 4 ठीक है, ओके किया। हाँ, ए, एक और जीरो, ठीक है सर, इतने नहीं नहीं सोनी वाले मारेंगे मुझको, तो कंफर्म किया और 25 लाख गए आपके अकाउंट में। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। और त्रैलोक्यनाथ जी आपको हम यहाँ बुलाएंगे, आप हमारी एक फोटो लीजिए, तालियों के साथ हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। अब ये कैमरा जैसे ही खुल जाएगा उंगली लगाने के बाद, एक फोटो लेंगे हम, तालियां बजती रहे इनके लिए, वेल प्लेड। तो देवियों सज्जनों, देखा आपने, नंबाला रवि कुमार उड़ीसा से आए, 25 लाख रुपए यहाँ से जीत कर गए, नलको में काम करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारी बाकी बचे हुए जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपके चेहरे पर एक मुस्कान में देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। देवी जी आप भी एक बार हमारी तरफ देख लीजिए, धन्यवाद, और प्रयत्न कीजिएगा, बहुत देर से आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि ये आखिरी बार, ठीक है। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑनलाइन पुस्तक खरीदने की इन आम प्रक्रियाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज यूजुअल स्टेजेस ऑफ बाइंग अ बुक ऑनलाइन इन द करेक्ट ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए पुस्तक का चयन, बी भुगतान करना, सी कार्ट में जोड़ना, डी चेकआउट करने के लिए पढ़ना, ए चूजिंग अ बुक, बी मेकिंग पेमेंट, सी एडिंग टू द कार्ट, डी प्रोसीड टू चेकआउट। समय समाप्त हो गया है, अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ए पुस्तक का चयन, फिर आता है सी कार्ट में जोड़ना, एडिंग टू द कार्ट, फिर आता है डी चेकआउट करने के लिए पढ़ना, प्रोसीड टू चेकआउट, और अंत में बी भुगतान करना, मेकिंग द पेमेंट। ए सी डी बी, यह है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये, केवल एक ऋचा तिवारी, बहुत बहुत बधाई आपको मैडम। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तालियां बजते रहे ऋचा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको।
तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की एक कॉर्पोरेट लॉयर है, ऋचा तिवारी जी। एक ऐसी महिला जिनका ये मानना है कि ये बहुत बातूनी है और बातों बातों में कई बार गलत जगह पर गलत बात बोल देती हैं, और ये जब हंसना शुरू करती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। ये सब सही है? जी बिल्कुल। ये आप जानते हुए भी आपको कहीं भी किसी ने नहीं कहा कि आप रुक जाइए, ज़्यादा हंस रही हैं, गलत जगह बात करें, कभी ऐसा हुआ? ऐसा होता है, पर ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों को बहुत मज़ा आया इसकी वजह से। जी ऋचा जी, ऐसा कभी हुआ कि आप कोर्ट में आपने कोई बात गलत जगह बोल दी? सर, हम कॉर्पोरेट लॉयर्स एक्चुअली कोर्ट रूम से ज़्यादा बोर्ड रूम लॉयर्स होते हैं। बोर्ड रूम में बोलते हैं? जी, हम कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, तो हम जैसे एक्विजिशन डील्स होती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनका नेगोशिएशन, वो करते हैं बोर्ड रूम में। वो बोर्ड रूम्स में, यूजुअली मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स। वहाँ पर कोई अगर गलत बात बोल दी हो अगर आपने? मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि हम ऑफिस में किसी बात पे इतनी जोर जोर से हंस रहे थे कि फिर मुझे वॉशरूम में जाके हंसना पड़ा ताकि बाहर आवाज़ ना जाए, लेकिन निकल के लोगों ने बताया कि कोई खास फायदा नहीं हुआ, आवाज़ बाहर तक भी आ रही थी। ऋचा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और आपके सामने अब हम नियम पढ़ देंगे जल्दी से। आप जानती हैं कि यहाँ पर 15 प्रश्नों का एक धनालय खड़ा होता है, 1,000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते जाता है 1 करोड़ रुपये तक। वो है 15वां प्रश्न, 2 पड़ाव हैं बीच में, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। घड़ी बचती रहेगी, घड़ी बड़ी जी, 45 सेकेंड पहले 5 प्रश्न तक, 60 सेकेंड अगले 5, और उसके बाद समय समय, और 10वें प्रश्न के बाद कोटि की चोटी का जो हमारा प्रश्न है 7 करोड़ रुपये का, वो खुल जाएगा उसका द्वार। 4 लाइफलाइंस है, ऑडियंस पोल 50-50, जोड़ीदार और एक्सपर्ट एडवाइस। जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं आज? जी, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड हैं वरुण भारद्वाज। जीजा जी, वरुण जी, प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मम्मी, आपकी माता श्री को लाए। उषा जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। आज के हमारे एक्सपर्ट दिव्यांश सरन, जाने माने शायर पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी हैं, और समय समय पर अगर आपको उनकी आवश्यकता पड़ी उत्तर देने के लिए तो नमस्ते। ओके ऋचा जी, क्या ख्याल है, गेम को शुरू किया जाए? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऋचा तिवारी जी, पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस प्रसिद्ध भारतीय टीवी धारावाहिक के नाम को पूरा करें, डैश जैसी कोई नहीं। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस फेमस इंडियन सिटकॉम डैश जैसी कोई नहीं। और आपके ऑप्शन हैं ये, ए सिमरन, बी जस्सी, सी गिप्पी या जिप्पी, या डी हैप्पी। सर, बी जस्सी को लॉक कर दीजिए। जस्सी को बी ताला लगा दिया जाए, ये समझते हैं कि ये सही उत्तर है। आप बिल्कुल सही हैं, 1,000 रुपए जीत गई हैं। जस्सी जैसी कोई नहीं, ये धारावाहिक का पूरा शीर्षक। जस्सी बिल्कुल सही जवाब, ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित हुआ था। ये धारावाहिक जसमीत वालिया उर्फ जस्सी नामक किरदार के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे मोना सिंह ने निभाया था। मुझे ये किरदार बहुत पसंद है क्योंकि इनमें और मुझ में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। और वो क्या है? नो मेकअप पर्सन। ये आज समझ लीजिए, आज जितना केबीसी ने कर दिया है, इसके पहले मैंने मेकअप आखिरी बार बहन की शादी में लगाया होगा। बहन की शादी में आपने आखिरी बार मेकअप लगाया था, और उसके बाद आज? उसके बाद आज। यानी आपको नफरत है मेकअप से या क्या है? बस करना ही नहीं, शौक नहीं है, पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूं देवी जी कि आपको मेकअप की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सर, सही बोल रहा हूँ। आपके साथ और भी गेस्ट आए हुए हैं आपके? जी। कौन कौन है? मेरी 2 बड़ी बहनें आई हैं, हम मेरी 4 बहनें हैं, ये उनमें से 2 आई हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर दिव्या तिवारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जी जी। और पूजा तिवारी मेरी सिस्टर, एक प्रोमिनेंट कंपनी में लीगल मैनेजर है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह है दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 2,000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल अंडाकार यानी ओवल गेंद के साथ खेला जाता है? विच ऑफ दीज गेम्स इज प्लेड विद एन ओवल बॉल, एंड हियर आर द ऑप्शंस, ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी रग्बी, डी बास्केटबॉल। सर, सी रग्बी पे ताला लगाइएगा प्लीज। सी रग्बी, फाइनल उत्तर आपका? जी, रग्बी सी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी।
Well played, it's the right answer. बाकी तीनों खेलों की गेंद जो है वो गोल होती है और रग्बी ओवल शेप की होती है. गेम वगैरह पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं टेलीविजन पे. थोड़ा बहुत. विश्व में ये बहुत प्रचलित है ये खेल. आई थिंक ब्रिटेन से यूके से ये पहली बार शुरू हुई थी ये. और भारतवर्ष में प्राइवेटली अभी शुरू किया है लोगों ने खेलना जी. अभी प्रोफेशनल लेवल पे शायद जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक नहीं शुरू हुआ है जी. लेकिन खेलते बहुत सुंदर खेल है ये. और मेरी भी एक फेवरेट टीम है न्यूजीलैंड की टीम ऑल ब्लैक्स. बहुत बढ़िया खेलते हैं वो जी. और वो चैंपियन भी रहे हैं कई बार. लेकिन विश्व भर में इसका वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होते हैं. बहुत सी अलग अलग जगह से टीम्स आती हैं इसमें खेलती हैं. ऑलराइट तो ऋषा जी अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर. इसका मूल्य है 3,000 रुपये. रेडी. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. टेक्सटाइल की इस तकनीक को पहचानिए जिसका अर्थ पेन से ड्राइंग करना होता है. पेन. आइडेंटिफाई दिस टेक्सटाइल टेक्निक ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न्स व्हिच मींस ड्राइंग विद अ पेन. पहले इमेज दिखा दें फिर ऑप्शंस रखते हैं. कैन वी हैव द इमेज प्लीज. आप इधर भी चाहें देख सकती हैं बड़ा है. Right. Identify this textile technique of decorative patterns, which means drawing with a pen. और आपके options हैं ये. A. Baluchari. B. Maheshwari. C. Jamdani. या D. Kalamkari. Baluchari. Jamdani. Kalamkari. Maheshwari. D. Kalamkari को ताला लगाइएगा. डी कलमकारी. डी कलमकारी पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी और आप सही है. 3,000 रुपए जीते. कलमकारी का नाम ये फारसी शब्द से बना है. पेन को फारसी में कलम बोलते हैं और कारी क्राफ्टमैनशिप. तो इसमें केवल नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है. बहुत ही सुंदर कारीगरी. ऑलराइट सर मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी. जी जी. इत्तेफाक देखिए सर कि जो हम अपना एक सेकंड वेंचर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रागवस्त्र रखा है हमने. और इसमें हम यही करने वाले हैं कि भारत के इस तरह के पारंपरिक कलाओं वाले वस्त्र को खरीदेंगे और फिर कुछ महिलाओं से उनसे अच्छे किस्म के कपड़े सिलवाएंगे और उनको हम ऑनलाइन बेचना शुरू करेंगे. तो मकसद ये है कि एक तो हमारे पारंपरिक कपड़ों को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरा जाहिर है ये महिलाएं कोई बहुत रिच बैकग्राउंड की नहीं होंगी तो इनको घर बैठे आमदनी का एक जरिया हो प्राप्त हो जाता जिससे कि ये आर्थिक रूप से. तो ये कौन सी संस्था है ये कर रही है? ये हम शुरू करने के प्रक्रिया में हम बोलते हैं तो आपके साथ कुछ और लोग भी हैं? नहीं असल में हम इलाहाबाद के और उस तरफ हम बोलते हैं अपने को भी. हाँ हाँ अच्छा अच्छा. तो आप कह रहे हैं हम शुरू करने जा रहे हैं तो आप स्वयं शुरू करने जा रहे हैं? जी मैं शुरू करने जा रही हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सर. तो हमें उम्मीद है कि हम दिवाली के आसपास लॉन्च करेंगे और हम इसे इक्कट कलमकारी और बनारसी से ही शुरू कर रहे हैं. वाह बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत अच्छी सोच आपकी. हमारा है चौथा प्रश्न और इसका मूल्य है 5,000 रुपये. तैयार हो जाइए ऋचा जी. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या यकृत यानी कि लिवर की बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवर डिजीज. ऑप्शन सुनिए. ए gastritis, B, dermatitis, C, hepatitis, D, encephalitis. A, gastritis, dermatitis, hepatitis, encephalitis. Sir, C, hepatitis को ताला लगाइएगा. Hepatitis C पे ताला लगा जाए. All right. कमेरे जी सी पे ताला लगाइए. बिल्कुल सही उत्तर है आपका. 5,000 रुपए जीत गए आप. हेपेटाइटिस लिवर को हानि पहुंचाने वाला एक गंभीर रोग है. और क्योंकि हेपेटाइटिस की बात निकली मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही और बी और जितने भी हैं सब बहुत ही भयंकर रोग होते हैं. इसके लिए अभी हम लोग अब फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें लगे हुए हैं. हेपेटाइटिस बहुत से लोगों के लिए एक तो बीमारी तो है ही लेकिन कई बार देखा गया है ऋचा जी कि
इसकी जांच न करवाने से लोगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। तो अगर मेरा कार्यक्रम आज आप हमारा देख रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस की जांच आप रेगुलर तौर पे करवाते रहिए, क्योंकि इसका इलाज हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस जो है इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर उसके बाद आपका लिवर जो है वो इतना ख़राब हो जाता है कि आप उससे रिकवर नहीं कर पाते। जांच जो है वो बहुत आवश्यक है। और देखिए, इसके साथ कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गया है बहुत सारे देशों में। अगर उनको पता चल जाए कि आप हेपेटाइटिस कैरी कर रहे हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और देखिए, इससे भी भयानक चीज़ जो हो रही है वो ये कि शादी ब्याह के समय अगर जो बेटी है, जो महिला है, अगर उनको पता चलता है कि इसे हेपेटाइटिस है तो ब्याह तोड़ देते हैं, या अगर ब्याह के बाद पता चलता है तो उसको घर से निकाल देते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, और इसके खिलाफ हम जो है आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि ऐसी बेटियों को बचाया जाए जी। क्योंकि अगर किसी महिला को न पता हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जांच करवाइए, क्योंकि इसका इलाज हो सकता है जी। बहुत सी ऐसी महिलाओं से हम मिले जहाँ पर हमने उनसे बात की और उनको या तो घर से निकाल दिया गया है या उनकी ब्याह जो शादी है वो रोक दी गई है। अरे। और उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जांच करवा लें तो उसका इलाज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋषा जी, आज हूटर बज गया है और हमें आज खेल को यहीं समाप्त करना होगा, समय बीत चुका है। सबसे पहले हम हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं आलोक श्रीवास्तव जी, उनसे हम विदाई लेंगे। आलोक जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा से पहले जी एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है जी। ऋचा जी से पहले रवि जी यहाँ आए थे और वो अपने साथ अपने पिता की तस्वीर लाए थे जी। हाँ जी, पूरा वातावरण बहुत भावुक कर दिया था उन्होंने। मुझे दो पंक्तियाँ पढ़ने की इजाज़त दें जो बाबूजी पर हैं जी जी, और उसके बाद फिर मुझे विदा दें। वो यूं के घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। और अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। क्या बात, बहुत। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, नाराज होते थे तो बिगड़ जाते थे और खुश होते थे तो बहुत पॉकेट मनी देते थे जी जी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। क्या बात, बहुत खूब, बहुत सर, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका आलोक जी। और हमारे साथ आप बहुत बहुत शुक्रिया केबीसी का और आपका सर कि आज आपके साथ केबीसी में आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनी हमने, आपकी कविता सुनी हमने, बहुत ही अच्छे ख्याल आपके। इसी तरह आप उन्नति करते जाएं, लिखते जाएं और लिख करके हमें भेजते रहा कीजिए, हम उत्तर देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, जी, जी आप तो ट्वीट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोग। तो देवी और सज्जनों, केबीसी के नाम पर देखिए, कोई भी आपसे पैसों की मांग करता है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चाहे कोई ये क्यों ना कहे कि आपको हम लकी ड्रॉ के जरिए लाखों का फायदा करवा देंगे, ये खेल लक से नहीं, अनुभव से, ज्ञान से और योग्यता से चलता है। और हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ भी हमको विदाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हफ्ता पूरा समाप्त हो चुका है। हमारे जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं ये कल खेलेंगे हमारे साथ केबीसी कर्मवीर जो हमारा कार्यक्रम है उसके साथ। और आज के खेल और खिलाड़ियों को देखकर यही बात दिमाग में आती है कि कुछ ना कुछ अच्छाई हर दिन में अवश्य छिपी होती है, इसलिए हर दिन और हर पल में विश्वास रखिए, कोई ना कोई अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा आपको। इसी के साथ आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आज्ञा लेता हूँ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, नमस्कार। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन केबीसी। थैंक यू।